जीएम क्रॉप के बारे में लोगों को एजुकेट नहीं किया जा रहा। जीएम क्रॉप जो है, देखिए जापान में आज की नहीं चल रही, जर्मनी में आज की नहीं चल रही, द ओनली थिंग दैट द क्रॉप विच इज राइट हैज इट गॉन थ्रू द इकोकॉसम सिस्टम इन द लेबोरेटरी। अगर वो उसके टेस्टिंग हो चुकी है देन देयर इज नो प्रॉब्लम। द ओनली थिंग देयर इज अ गैप बिटवीन लेबोरेटरी फील्ड एंड पीपल, तो दैट गैप हैज टू बी रिड्यूस्ड। अदरवाइज जीएम क्रॉप हैज अ फ्यूचर बिकॉज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, लैंड इज स्क्वीजिंग, तो फ्रॉम वेयर विल फीड द पॉपुलेशन। अगर आप जाके देखिए जापान की जगह मूली देखिए, आपकी मूली से 50 गुना बड़ी मूली है। गोभी की देखिए, ऑरेंज देखिए, दे आर ऑल जीएम, पीपल आर कंज्यूमिंग दोज, व्हाई कैन वी डू दैट वन। तो इसलिए ओनली प्रॉब्लम इज कि जो भी हम जीएम क्रॉप पैदा करें इट मस्ट गो थ्रू प्रॉपर बायोलॉजिकल टेस्टिंग, नंबर वन इन द लेबोरेटरी, देन इन द फील्ड, देन इट शुड बी पुट इनटू द पब्लिक यूज। बट वी शुड नॉट अपोज इट एज ए आउटराइटली बिकॉज देन वी विल बी बैकवर्ड। दिस नो, हाँ दूसरा ये क्यों भूल जाते हैं कि नेचुरल म्यूटेशन भी हो रही है। अब एड्स के हम क्यों नहीं वैक्सीन ढूंढ रहे, बिकॉज एड्स वायरस इज म्यूटेटिंग वेरी फास्ट। अब देखिए मस्किटो ही है, अब मस्किटो मुझे कल ही बता रहा था कलकत्ता में, इवन मस्किटो रात में नॉर्मली रात को निकलता है, वो उनको रात को दोपहर को 2-3 बजे भी डेंगू जो मस्किटो है वो बाहर आ रहा है और डेंगू स्प्रेडिंग लाइक दैट वन। कि अगर नेचर को हम थप्पड़ मारते हैं तो नेचर घूंसा मारता है, सो ऑर्गेनिज्म गो ऑन चेंजिंग, तो उनको भी तो हम अडॉप्ट करते हैं ना। अगर हमने कोई पॉजिटिव चीज़ पैदा करने की कोशिश की है, द ओनली थिंग दैट वी मस्ट बी वेरी कॉशियस फॉर द लेबॉरेटरी टेस्टिंग इफ इट हैज़ गॉन थ्रू दिस अ प्रॉपर प्रोसीजर, प्रॉपर प्रोटोकॉल्स। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कमेटीज हैं जिन्होंने डेवलप किए हुए हैं, अगर वो प्रॉपर प्रोटोकॉल से पास आउट हुई है देन वी शुड नॉट अपोज इट। While universities are doing very good work in research in biotechnology and GM crops and all that, who will create awareness amongst masses about mites? See, unfortunate part is hamara jo research and education hai, there's a big gap between public and the, there's no communication. Hum library mein hamara kya research paper chhap liya, जनरल में चला गया, कोई पढ़े ना पढ़े वी डोंट नो, क्योंकि हमें प्रमोशन मिल जानी है। मोस्ट ऑफ अस नाउ डेज गोइंग फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ एपीआई स्कोर विच हैज बीन इंट्रोड्यूस बाय यूजीसी, कि मेरा इतनी कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लो इतने नंबर बन जाएंगे, बट नोबडी इज कॉन्शियस कि मेरा रोल क्या है। अगर मैंने कोई चीज़ की है, क्या मैं एजुकेट कर रहा हूँ? मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में 7 गाँव अडॉप्ट किए कि लेट्स गो टू विलेजेस एंड टेल पीपल What you are doing, you are throwing polythene outside. चंडीगढ़ के पीछे ही नया गांव में इतना पॉलीथीन बाहर फेंका होता है, अरे भाई चंडीगढ़ उसमें क्या फ़र्क है? तो वी शुड नॉट टेक ए पर्टिकुलर रीजन एज ए आइसोलेशन। चीज़ जो 100 मील दूर हो रही है वो हमारे हमें भी इम्पैक्ट कर सकती है। अरे पानी तो नीचे ज़मीन के नीचे कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है, हवा में कोई बैरियर नहीं है, जो पाकिस्तान में हो रहा है हिंदुस्तान में हवा वही आनी है। While there are a lot of academic courses now being run by various universities in the field of biotechnology, but students have a general complaint about hands-on training. That is a problem, क्योंकि हमने biotechnology को एक simple biological branch बना दिया। We are doing simple basic biological practicals and not doing any biotechnology, giving a degree of biotechnology. This is an unfortunate part which I myself have noticed when I visited certain universities and I had to put conditions there ki ye nahi hona chahiye. What will be the remedial steps for this? Remedial situation? Is that the regulatory bodies should be very effective. Ab Himachal ne private university or private institutes regulatory commission banaya. You see the admissions have been regulated there. Nobody can fleece their people. वही वैसा ही regulatory body हरियाणा में चाहिए, वैसे ही regulatory south wise they are successful, because south में आज से 10 साल पहले ही ये act बना लिए थे, commission बना लिए थे। हमारे act में लिखा हुआ private use act में, पर commission नहीं बनाया। तो हमें हर चीज़ जो है, एक तो regulatory body होनी चाहिए, but regulatory body should include people of excellence. वहाँ पे यंग साइंटिस्ट मिलेंगे, इस तरह स्कॉलर्स हैं, टीचर्स हैं, उनको क्या मैसेज करना है? देखिए मैं आई एम गोइंग टू टॉक ओनली अबाउट द इंडिया कल्चर ऑफ साइंस, कि हमारा
बैप जो इंडियन साइंस थी, इट वॉज़ ए टॉप. इसको सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था कि हमारी लिविंग जो है इट वॉज़ ए साइंस बेस्ड, विज्ञान बेस्ड थी. ठीक है, हमारा प्रेजेंट भी विज्ञान बेस्ड है, फ्यूचर भी, क्योंकि इस साल का जो है इट्स अ ईयर ऑफ साइंस बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इज द जनरल प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस. तो बिकॉज 100वां साल हो गया, सो ईयर ऑफ साइंस, व्हाट इज द साइंस एंड फ्यूचर ऑफ शेप ऑफ इंडिया. तो वही कि जो हमारा बैक साइंस थी वो वर्ल्ड नोन थी, सोने की चिड़िया बिकॉज वी आर साइंटिफिक बेस्ड. आज देखिए जो हमें मंदिर में साउथ में त्रिवेंद्र में सोना मिला अभी तक चमक रहा है, बिकॉज दैट वॉज मेड इन अ साइंटिफिक वे. तो इसलिए वो अभी तक चमक रहा है. तो सारी जो लाइफ थी, या एक पिल्लर है वो कितने साल पुराना है आयरन का, अभी जंग नहीं लगा उसमें. क्यों? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी हमारी वो थी, उस टेक्नोलॉजी को भूल के हमने वेस्टर्नाइज टेक्नोलॉजी डालनी शुरू कर दी और हम अपनी टेक्नोलॉजी भूल गए. That's what I'm going to talk about.